नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के कई वार्डों में निगम द्वारा पार्क उद्यान वाटिका का निर्माण कराया गया था, पर अब यह सब बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसा ही एक उद्यान बैकुंठ धाम में भी बनाया गया था, जो अब वीरान पड़ा है और असामाजिक तत्वों की पनाहगाह बनता जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभी वार्डो के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने वार्डो को सुंदर बनाने हेतु उद्यान वाटिका और पार्क बनाए गए थे, परंतु निगम प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यह सभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। यह नजारा है बैकुंठ धाम स्थित बैकुंठ वाटिका का। एक समय में यह वाटिका जहां बच्चों के खेलने के काम आती थी, तो वहीं सुबह शाम आसपास के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग एवं युवा यहां वक्त बिताने आया करते थे और पार्क में बने खूबसूरत पगडंडियों पर टहलते भी थे। परंतु निगम प्रशासन की लापरवाही कहें या उनकी कार्यप्रणाली, जिसकी वजह से यह वाटिका खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहां असामाजिक तत्वों ने अपने असामाजिक गतिविधियों को संचालन करने का अड्डा बना लिया है। पार्क में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और खरपतवारों ने भी इस वाटिका को अपनी चपेट में ले लिया है। वाटिका के चारों तरफ लगी दीवार में दो जगह दीवारों को तोड़ दिया गया है और इस वाटिका में लगी लाइटें एवं अन्य लोहे की सामग्रियां चोरी हो गई हैं। जब इस उद्यान का निर्माण हुआ था, तब यहां एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी की गई थी, परंतु अब ना तो गार्ड है और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा। दिन प्रतिदिन यह बैकुंठ धाम वाटिका अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और अब इस वाटिका में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इस कदर होने लगा है कि यहाँ क्षेत्रवासी आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, बैकुंठ धाम में बनाई गई थी एक पुष्प वाटिका, जिसे बहुत ही सुंदर बनाया गया था शहर के विकास को देखते हुए, वार्ड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और एक प्रयास था कि वार्ड की जनता को एक शुद्ध वातावरण मिले, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मिल सके और कुछ युवाओं को व्यायामशाला भी मिल सके। लेकिन आज इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कारण आप भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा इसे निर्माण तो कर दिया गया, बना तो दिया गया, लेकिन इसका संधारण रख रखाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह पार्क आज की तारीख में बिल्कुल ही उजड़ा हुआ लगता है। और रही सही कसर क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरी कर दी है, जो कि यहाँ पे लगे हुए रेलिंग जो खूबसूरती के लिए लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी, फव्वारे लगाए गए थे, लाइटें लगाई गई थी, लोहे की जालियाँ लगाई गई थी, उन सभी चीज़ों को वो चोरी करके ले जा करके बेच चुके हैं। और उसके बाद नगर पालिक निगम भिलाई का ये रवैया कि बना देने के बाद किसी चीज़ का संधारण न करना, यह कोई पहली बात नहीं है। निगम क्षेत्र में ऐसे कई पार्क, कई ऐसे उद्यान मौजूद हैं जिनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पाथवे भी बनाया गया था जिसपे लोग सुबह और शाम चला करते थे, लेकिन आज वो भी उखड़ चुके हैं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ हर शाम होता है, जिसके प्रमाण भी यहाँ साफ दिखाई देते हैं। जो इसे सुरक्षित करने के लिए जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, दो जगहों से उसे भी तोड़ दिया गया है, जहाँ से असामाजिक तत्व इसमें प्रवेश करते हैं और शाम ढलते ही असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई का बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा ऐसे पार्कों में बर्बाद हो रहा है, या यूं कहें बर्बाद हो चुका है। थोड़ा थोड़ा खर्च करके इसे संधारित किया जाता रहता तो आज इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। अब अगर नगर पालिक निगम चाहे कि इसे फिर से गुलजार किया जाए तो काफी लंबी चौड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा।